अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों, क्या आप जानते हो कयामत में मुजरिमों की हालत क्या होगी? नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा तो उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो लोग उन आमाल नामों में लिखे हुए चीजों से डर रहे होंगे और अफसोस से कह रहे होंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा दफ्तर है और कैसा रजिस्टर है जिससे ना कोई छोटा अमल छोड़ा है ना बड़ा अमल छोड़ा है, सभी इसमें महफूज है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बहनों, कयामत आने से पहले और कयामत के दिन के आने से पहले हम सब अपने गुनाहों की माफी मांग लेना चाहिए अल्लाह से। अगर हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, गुनाहों से बाज नहीं आएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम भी उन मुजरिमों की सफ में खड़े होंगे कयामत के दिन, और उस दिन हमारे पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो आज ही से अल्लाह की तरफ लौट आओ और अपने गुनाहों की माफी मांग लो अल्लाह से। अल्लाह माफ करने वाला है, वो गफूर रहीम है, वो रहमान रहीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।